तो जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है गो प्राइसिटी चैनल में। और आज हम सिखाएंगे आपको कैसे चेंज करें वाईफाई का पासवर्ड अपने मोबाइल फोन से, यानी स्मार्टफोन से। और इसमें मैं एंड्रॉयड और iOS दोनों इंक्लूड करूंगा। तो दोस्तों, मैं अपने एंड्रॉयड मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका हूँ। तो अब चलिए हम सीखेंगे कैसे करते हैं वाईफाई का पासवर्ड चेंज। तो देखिए दोस्तों, मेरे वाईफाई का नाम शक्तिमान है, तो मैं स्लाइड किया, दबा दिया इसको। अब दबाने के बाद देखिए, मैं जाऊँगा साइड में इसके दबा के इस पे ऊपर, और उस पर दबाने के बाद मैं इसके जो राउटर लिखा है, इस पे जो 10.10 ऐसे पे कुछ कोड लिखा है, उसे मैं कॉपी कर लूँगा। और कॉपी करने के बाद दोस्तों, कॉपी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपी करने के बाद मैं इसको गूगल पे पेस्ट कर दूँगा। और पेस्ट करने के बाद देखिए, अब ये कुछ खुलने वाला है, साइट जो वाईफाई का आपका साइट है ये खुल जाएगा। और ये जब खुल जाएगा तो लॉगिन पासवर्ड में आपको लिखना है एडमिन। एडमिन लिखने के लिए आपको स्मॉल सब लिखना है, ADMIN। देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको दोस्तों, तो ये मैं लिखने जा रहा हूँ ADMIN, ये एडमिन हो गया। आप चाहे तो जो ए है उसे बड़ा ए करके भी देख सकते हैं, क्योंकि किसी किसी में वो बड़े ए से भी शुरू होता है। तो चलिए हम लॉगिन करेंगे। तो दोस्तों देखिए, लॉगिन हो गया। अब लॉगिन होने के बाद हम ये देखिए, यहाँ पर जो नेटवर्क्स है और डिवाइसेस है, पहले डिवाइस में देखते हैं। तो डिवाइस में देखिए, एक कनेक्टेड डिवाइस है जो हमारे वाईफाई से, वो सारे दिखा रहे हैं। तो हम नेटवर्क पे दबाएंगे, तो मेरे वाईफाई का नाम शक्तिमान है, तो शक्तिमान दिखा रहा है SSID, और पासवर्ड जो नीचे है वो दिखा रहा है। देखिए तो पासवर्ड मैं चेंज करूँगा, पासवर्ड मेरा अभी आदि @कांत, तो मैं इसको चेंज करूँगा। तो इसको मैं अभी काट लूँगा पूरा। चलिए बैक स्पेस दबाते हैं। बैक स्पेस दबाने के बाद देखिए, मैं पासवर्ड लिखता हूँ GoPriceIndy। और GoPriceIndy लिखने के बाद मैं GoPriceIndy लिख लिया मैंने, और उसके बाद मैं सेव कर दूँगा। और सेव करने के बाद ये देखिए लिखेगा, यो डिवाइस माइट भी ऐसा लिखेगा। और उसके थोड़ी देर बाद आपका वो वाईफाई डिसकनेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद वाईफाई फिर से चालू होगा। तो दोस्तों, वाईफाई फिर से चालू होने के बाद आप देख सकते हैं कि ये मैं वाईफाई पे गया। वाईफाई देखिए अभी दिखा नहीं रहा है, तो मैं रिफ्रेश करूँगा। रिफ्रेश करने के बाद ये देखिए, शक्तिमान आ गया। इसका पासवर्ड अभी चेंज हो चुका है, तो पासवर्ड चेंज हो चुका है। मैं कन्फर्म करने कैसे दबाऊँगा, देखिए पासवर्ड लिख रहा है ऑथेंटिकेट, लेकिन ये पासवर्ड अभी कनेक्ट नहीं होगा क्योंकि पासवर्ड चेंज हो चुका है, तो मेरे को नया पासवर्ड लिखना पड़ेगा। तो दोस्तों देख रहे हैं, जैसे मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिखूँगा GoPriceIndy GOP, मतलब आपका जो भी पासवर्ड आपने चेंज किया आप लिख सकते हैं। मैं GoPriceIndy लिख रहा हूँ, तो मैं GoPriceIndy लिख लूँगा, GOP मैंने लिख लिया, ये पूरा लिख लिया। हाँ, तो ये हो गया। तो ये लिखने के बाद देख रहे हैं दोस्तों, सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया है। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिख रहा है मतलब टैप टू शेयर पासवर्ड, यानी कनेक्ट हो चुका है। तो वीडियो के बीच में अगर आप आ गए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और देखते रहें आगे की वीडियो। दोस्तों देख सकते हैं कि अब मैं आ चुका हूँ अपने iOS पे, यानी एप्पल के स्मार्टफोन पे। तो एप्पल के स्मार्टफोन में कुछ नहीं करना है, आपको ऊपर स्लाइड करना है और ये वाईफाई के ऊपर टैप करना है। यहाँ पे आएगा वाईफाई सेटिंग, तो वाईफाई सेटिंग को हम दबा लेते हैं। तो वाईफाई सेटिंग दबाने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे, जो आई का बटन है उस पर दबाएंगे, और उसके दबाने के बाद हम आई का बटन दबा लेते हैं। हाँ, हमने दबा लिया। अब आई के बटन दबाने पे हम नीचे जाएंगे, सबसे नीचे जाएंगे। सबसे नीचे जाने पे हमको मिलेगा ये राउटर, राउटर लिखा हुआ देख सकते हैं दोस्तों। ये इसमें भी थोड़ा सा सेम है, तो यहाँ पर जो राउटर पे जो लिखा है 10.10 करके, देखिए कॉपी करने का ऑप्शन आ रहा है, तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं। और कॉपी करने के बाद हम जाएंगे अपने सफारी ब्राउज़र पे। सफारी ब्राउज़र पे जाके हम करेंगे न्यू टैब खोलेंगे अपना, और उसके बाद हम वहाँ पेस्ट कर देंगे। और पेस्ट करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं कि अब खोलेगा वही वाईफाई का साइट फिर से, जो हमने एंड्रॉइड पे दिखा था। ये लॉगिन पासवर्ड मांगेगा, तो वही आप एडमिन लिख सकते हैं, जैसा कि आप मैंने पीछे बताया था। तो दोस्तों यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। ये लॉगिन होने के बाद आप फिर वही सारे प्रोसेस को रिपीट कर सकते हैं जैसा मैंने पहले बताया था। और बस, तो आज के लिए वीडियो के लिए इतना ही।